अबे यार मैं तुमसे पहले ही कह रहा, सरकारी काम में दादागिरी न चलती है, खुद करने पड़े। ले पंगा, लावे तेल का पीपल है क्या? और हाँ ये मत कहिए डांकू है, अच्छा ना लगता। इन्हें 5 किलो चावल निकालिए। जा भैया तू भी ले ले 4 किलो चावल। ले इसमें कर दी 2 किलो तेल। तेल ना बढ़ रहा, चावल बढ़ रहे हैं। और मास कहाँ दे रहा? मास लाओ, चावल ही दे दो भाई साहब। नाम बताओ, नाम क्या दे रहा? एडवोकेट जगीरा। एडवोकेट जगीरा बेटा, तू 2 महीने से राशन लेना ना आया, तेरा नाम कट गया ना। नाम कैसा कट जाएगा, अंगूठा भी लग पाया मुझसे तो पहले। यार नाम मत काटो, थोड़े बहुत चावल तो दे ही दो यार, रात का जुगाड़ हो जाओ। हमारे बाप की जागीर थोड़ी ना, एक एक चावल का हिसाब देना पड़ता, सरकारी काम है ये। एक्सक्यूज मी, मैंने 5 किलो की जगह 10 किलो चावल ले लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे मेरी जान, तो पूरी बोरी ले जा, कोई दिक्कत नहीं है। टैंकू इसे तो दे दिए यार तुमने, हमें ना दे सकते थोड़ा बहुत फालतू। वो मुझे गाड़ दे रहा है, तू दे लग, तुझे भी दे दूंगा। उलझल उल बात है मत ही करो, ना देने तो मना कर दो। क्या बात जगीरा, खाली पी पिया कैसे? अरे यार नाम कट गया हमारा, कई महीने से लेने ना आया ना, मैंने कि थोड़ा बहुत दे दो तो गाली बकरी आया यार। ले ले पीपिया पकड़। मेरा खुद सिर में दर्द हो रहा। ये साथी के बोल रहे के टाइम तबीयत खराब ही रहा है, ले पकड़ तू। अरे जगीरा टेंशन क्यों ले रही है, तू शायद भूल गया हम डाकू हैं, गांव लूटते हैं, पैसा भी मिलेगा चावल भी। बिल्कुल ठीक, शाबाश शाबाश, चलो। ये छोटा वाला बहनों यहाँ करंट गाय भी मिलता, पूरी रिश्तेदारी की गांव मार के रख दी यार, आज रात के लिए लेट हो जाऊंगा मैं। प्यार में पिछड़िए मेरे गांव में कुछ हट पीछे हट। अबे 500 का नोट है, रुको यहीं में आया अभी। गाँव का मसला भी यार आजकल सही ना चल लिया। क्यों, अम्मा भाग गई क्या तुम्हारी? बदतमीजी नहीं। अरे देखो इन बातों को छोड़ो, इस बार प्रधानी में हमारा ध्यान रखना है तुम्हें। पिछले 15 साल से आरा तू आ रहे हो, तुम बुड्ढा हो गया, पैर कवर में लटक रहे हैं मेरे, इस बार जिताना है सबको। अरे बेफिक्र रहो प्रधान जी। और काली किनार तू कैसे उदास बैठा भाई? क्या बताऊं यार, छोटे भैया के रिश्ते वाले आते नहीं, आते हैं तो मना करके चले जाते हैं। बस इतनी सी बात के लिए परेशान है? हमारे प्रधान जी की लोंडी से कराओ शादी, विदेश से तो पढ़ कर आई है, हॉट एंड सेक्सी है, बुलाओ अपने भैया को। बहुत टॉप भाई। अब रुक रुक, फोन जेब में रख, और तू भोसड़ी के कुछ ज्यादा ना बोल लिया, इन लीचड़ों से शादी कराऊंगा मैं अपनी बेटी की, इनकी औकात क्या है? ये इतना भसैंड है, इसका भैया कितना भसैंड होगा, साले इतना अमीर हूँ, आने वाला प्रधान हूँ मैं। टाइट पहन के लोड़े, अब लिए तू बोर्ड, एक बोर्ड नहीं दूंगा, 75 बोर्ड मेरे खानदान में, भोसड़ी के एक बोर्ड नहीं दूंगा तुझे मैं। चल ठीक है, लेकिन दहेज में बुलेट बुलेट दूंगा बस, लेकिन बोर्ड एक ना कटे। अबे डाकू हाथी के बहुत बड़ा, भागो। अबे पेड़ के पीछे चल साले, पेड़ के पीछे। अबे पेड़ के पीछे क्या गाना देगा तू? अबे साले चुप तो जा, साले पेड़ के पीछे पीछे कर रहा हूं, चल तू भाग इससे मेरे। और हमारी आंखें होता साथ हम डर रहे हैं, चलो। अबे ये तो पूरा गांव एक तरफ हो गया, सालो भागो। ओ भाई ये देखिए, छोड़ दे आज आगे तेरे काम में, छोड़ दे भैया, छोड़ दे जगिए।
सर आपको पता है गांव में क्या हुआ आज? डांस पार्टी आई थी क्या? हमें क्यों नहीं बुलाया? अरे सर डांस पार्टी नहीं आई, डाकू आए थे। डाकू? डाकू सिंगम के एरिया में डाकू? चल चल चल। अबे यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है भाई, मिस से नहीं रहा जाएगा बिल्कुल भी, गला और सूख गया मेरा। एक काम कर लो, नाले में मुंह दे लो, गर्दन भी गीली हो जाएगी और गला भी। हाथी के भोसले कोल्ड ड्रिंक पियेंगे? तय कह रहे हैं सरदार, कोल्ड ड्रिंक पीने का हमारा भी मूड है। लाओ तो इधर को आ जाओ सब, 10-10 रुपए डाल लो। सरदार मेरा मुश्किल हो जाएगा। सरदार मेरा भी मुश्किल से ही समझियो। हाथी के फलान, किसी का कोई मुश्किल नहीं है, 10-10 रुपए आके इधर को दो, चलो आओ इधर को। लेवल एक काली वाली कोल्ड ड्रिंक लेगा फटाफट। और सरदार चिपिस का कैसा करना है? चिपिस विपिस ना, 10 का ही बजट है बस, कोल्ड ड्रिंक लेके आ। और तू जाके फाइला उठा के रख वहां से। मुझे खुद उल्टी दस्त हो रहा है, मैंने उठा लिया फावड़ा वावड़ा। अबे ओए इसका क्या ड्रामा, साले की तबीयत खराब है, हाथी के कद्दू की इसकी। सरदार बच्चा है, बच्चा बच्चा साला कमीना। सरदार कोल्ड ड्रिंक। अबे ओए रुक जा, मैं करके दूंगा सबको, इधर रहा। चली दो, रुक जा दे रहा हूँ। गाल में घोंसले से बत्ती बना के। सर यहाँ से तो चलो, यहाँ पे तो पहले से बेल्टे चल रही है, तुम तो पिटोगे साथ में, मैं भी लपेटे मार जाऊंगा। मेरे बाप ने मुझे कभी पीछे मुड़ना नहीं सिखाया। तो फिर आओ चले। अबे चूतिया है क्या, मैं ही तो ना कह सकता पीछे घुमाने को, तू कह देना और तुम होटर बजाओ। सर इन्होंने मुझे देख लिया, दिखाया सब डर के भाग रहे हैं। अबे इन्हें पता चल गया सिंगम आ गया, चला भाग गए साले सब के सब। पुलिस का डर ही इतना होता है? पुलिस का इतना नहीं, मेरा बहुत है। कहां तक भागेंगे? वेगा तरोगे जी, पकड़ लो भोसड़ी वाले को। मैं ना हूं यहां कुत्ता, कुत्ता। हाँ तो हम भी तुझ जैसे कुत्ते को लेना आए हैं, चल साले। साले हमसे सलाखी कर दिया। तेरी माँ की सूत। सरदार व्हाट्स हैपनिंग? बक बहन के भोसड़े, छोड़ छाड़ के वहाँ पे आ गए तुम मुझे। मैं नहीं बनिया तुम्हारा सरदार, किसी और को ढूंढ लो। अरे सरदार गलती हो गई, अब ना होगी। हाँ सही कह रही है, वो आज के बाद गलती ना होगी हमसे भी। अरे लक्को अटा, मैं नहीं बनिया तुम्हारा सरदार यार। चलो फिर आज से तुम सबका सरदार मैं हूँ। तेरे बाप का फलान काटू सोले, गला घोट दूंगा। किसी ने सोचा भी सरदार बनने की तो मैं हूँ, मैं ही रहूंगा। सरदार छोड़ दो, बच्चे वाली बात है। जाके कुर्सी साफ कर, अंदर आके बैठूंगा मैं। मैं ना करिया कुर्सी साफ, मेरा खुद सुबह से पेट में दर्द है। अबे तो भैया कुर्सी साफ करने को कह रही हूँ, वो तो कर सके कुर्सी साफ बस। अरे तुम्हें पता सुबह से कितने उल्टी दस्त हो गए? देख रहो इसकी, अभी सरदार बनने को कह रही है तभी से उल्टी दस्त ना हुए। लो लकड़ी फेरो साले पे। लेंट्री 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 लेंट्री। हेलो 500 रुपए मिलेंगे तुम्हें, उस घर में चोरी करनी है। चल ठीक है मैं देखता हूँ। अरे सरदार मना करो उससे, 500 रुपए में ना करने गए हम, 900 रुपए का तो किराया लग जाएगा वहाँ जाने में। लेकिन एक आइडिया है।
बता क्या बोलता है। सही है लेकिन बात खराब तो इसमें भी है। चल आवाज लगा फटाफट। ऐप है कुछ ना, आवाज लगा। पाक बड़ा मुरादाबाद गजरोला संभल, 10 रुपए 10 रुपए। रुक जा साइड में लगा लूं, यहाँ से लगा। अरे आ जाओ जल्दी से। भाई साहब ऑटो तो फुल है, जगह ही ना है, कहाँ बैठे? अरे इधर को आ जाओ तुम। चल बे मोल्टे, तू पीछे को लटक जा कहीं जाके। चल क्या कह रहे हो? अबे हट बांसड़ी के, 20 रुपए का सवाल है। बैठो तुम इधर, लेडीज को आगे बैठा दे। आ जाओ तुम। अबे देखिए काली सेट वाला ज्यादा चलाक बन गया, 10 का नोट ना देखे गया, 30 है बस, मांग इससे। अबे ओ पैसे दे गया। हाँ ये तो भाग गया। बे यार एडवोकेट जगीरा का पैसा लेके भाग गया, साला जो है गरीब को सताने वाला। आओ बे आओ। ये हमारी बहुत बड़ी डकैती है, कोई रिस्क नहीं चलेगा। सरदार बल्लभ भी तो टंग रिया है। अरे तो टंगा रहने दे, दिन भी तो हो रहा है, क्या हो गया जलन दे? नहीं सरदार रिक्स भी बढ़ जाता है, रुक जाओ मैं इसे फोड़ के आऊं। अबे अबे पुलिस कैसे आ गई? निकल निकल निकल। बता बाकी के तेरे साथी कहां है? पुलिस तू मुझे कितना भी मार ले, लेकिन मैं तुझे अपने सरदार के अड्डे के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा भाई बता। नहीं बता। नहीं दरोगा जी, भूल पे हैं, भूल पे मंडियो वाली। देखिए दरोगा जी लोहे का सरिया बहुत तेज पड़ेगा, मैंने तुम्हें बता तो दिया सब पता। बहुत गलत हुआ है ये, हमारा एक आदमी पकड़ा गया, बहुत दुख है मुझे इस बात का। ओए सरदार के बराबर में को आकर खड़ा हो जी जरा। क्यों यार? इमरजेंसी काम होगा, जब ही तो बुला रही हूँ, तुझे पता ही है सरदार का कितना मूड खराब है, आइए जरा। हाँ बता। इधर मट्टी, इधर मट्टी, बीच में टट्टी है। इधर को आवे तू, इसकी बराबर में को, इसे ज्यादा हंसी आ रही है ना। इधर आंड, इधर आंड, बीच में गांड। सर अबे ये लोंडिया चोत काय के डाकू हैं, जब देखो आपस में बैल्ले चलाते रहे। मैं रुक जरा। ए भागना कोई समझ में ना, गोली पड़ेगी बेटे। ए दरोगा जी पीछे रहो, गोली मार दूंगा बंदे। दरोगा जी मेरे आदमी को छोड़ दो, मैं गोली मार दूंगा। अबे बंदूक तो है ना, तुझ पर मारेगा का इसे? इसे पुलिस वाला किन्ने बना दिया भाई? अबे साले गोली से मरेगा, बंदूक से मरेगा। प्लीज प्लीज मानना मत, तुम मेरी कसम मानना मत, प्लीज गोली मत मारना। मेरे आदमी को छोड़ दे, चलो आओ। हम पे हाथ उठाते हैं। यार हमारे साथी बाहर मजे ले रहे होंगे और हम यहाँ जेल में बंद पड़े, सरदार भी बचाने ना आए हमें। यार सरदार तुम्हें फंसाऊंगा जरूर। ये साले डाकू हर बार भाग जाते हैं, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, मौका तो मिलेगा मुझे भी। हमें अपने आदमी को थाने से छुटाना होगा, ऐसे नहीं छोड़ सकते हम उसे। पर कैसे? दरोगा से बात करूंगा मैं, उसे रिश्वत का लालच दूंगा और अपने आदमी को छुटा के लेके आऊंगा। बिल्कुल सही सरदार, वो रिश्वत से मान भी जाएगा। चलो थाने। दरोगा जी थाने में डाकू आ गए, पकड़ो इन्हें मादर चौदों को। पेगल 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 पगल सालों को छोड़ना नहीं, आपसे पिछली बार छूट गए थे।
Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations.